वहीं कर्नाटक के चामराजनगर सीट से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास की 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। 4 दिनों से वो बेंगलुरु के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। आपको बता दें कि श्रीनिवास चामराजनगर सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं और कुछ ही दिन पहले उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात कही थी। श्रीनिवास ने अपना राजनीतिक सफर 1976 में जनता पार्टी से शुरू किया था। इसके बाद 1989 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। भाजपा ज्वाइन करने से पहले वो जेडीएस, जेडीयू और समता पार्टी में भी रह चुके हैं।